मुस्लिम राष्ट्र मंच ने देश विरोधी ताकतों को दिखाया आईना। 370 और 35 के समर्थकों की इंद्रेश कुमार ने की नसीहत। आज से अपनी पार्टी के हुए जावेद मुस्तफा, मेयर और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने पर दिया बल। 370 और 35 पर साधी चुप्पी। हाईवे का विस्तारीकरण का कार्य बना लोगों के लिए मुसीबत। समरौली और नरसू में दो लोगों के आशियाने हो रहे दराशाही। निर्माण एजेंसी लोगों को कर रही भेगर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने 370 और 35 का समर्थन करने वालों को आईना दिखा है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के चीफ पेट्रॉन इंद्रेश कुमार ने 370 और 35 को देश की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी करार देते हुए उन सियासी नेताओं की भी निंदा की है जो ये कहते हैं कि 370 और 35 हटने से देश में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि पूर्व सरकारों ने भी 370 और 35 की स्थायी रूप से लागू किया नहीं किया क्योंकि वो भी ये जानती थी कि ये दोनों ही जम्मू कश्मीर को विनाश की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही अनुच्छेदों को के हटने के बाद देश विरोधी ताकतों को मुंह की खानी पड़ी है और जिस तरह जम्मू कश्मीर और यहां तक कि लद्दाख में भी तिरंगे को जिस आन बान और शान के साथ लहराया गया है ये किसी से भी छिपा नहीं है। स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न उठता है, अगर 370 और 35 अच्छी थी तो जो भी पिछली सरकारें थी उन्होंने संविधान में इसको परमानेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे 370 और 35 भारत की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी है। दूसरी बात, किसी भी देश के अंदर उसकी नागरिकता और संविधान और संकल्प का बंटवारा यह उसके विकास का नहीं विनाश का कारण बनता है। जिन लोगों ने यह कहा था 370 और 35 हटेगी तो तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लाखों लोगों ने, चाहे जम्मू क्षेत्र था चाहे कश्मीर था और लद्दाख यूटी हो गया वो है, तो वहाँ पर इस तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया है। तिरंगा विरोधी ताकतें पराजित हुई और देश प्रेम वाली ताकतों की जीत का जश्न हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया है। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है और 35 से अपनी पार्टी में शामिल हुए जावेद मुस्तफा मीर ने आज पार्टी का दामन थामते ही फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत की है। पहले पीडीपी, उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसके बाद गुपकार अलायंस का हिस्सा रहे जावेद मुस्तफा मीर ने आज अपनी पार्टी में शामिल होते ही पत्रकारों के सवाल के जवाब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, हालांकि 370 और 35 पर यह कहते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है और लिहाजा अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इससे पहले अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी व उनके अन्य सहयोगियों ने जावेद मुस्तफा मीर को पार्टी में जोरदार स्वागत किया। तो एक बात बताना चाहता हूँ, पीएचईडी का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूंगा था, पीएचईडी का जो एजेंडा है
वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, ये है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूं कि मेरा वो सफर अधूरा नहीं रहा, मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहां पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहां ये दो बातें हैं, हम यहां कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में, स्टेटहुड 370 और 35A। मैं वहां था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहां हूं तब भी लिटिगेशन में है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रिटायर इंजीनियरों को दोबारा काम पर रखने के आदेश की निंदा करते हुए अपनी पार्टी ने उपराज्यपाल से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने NRHM के नर्सिंग स्टाफ का अनुबंध 3 महीने आगे बढ़ाने के फैसले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सराहना की और साथ ही साथ उन्हें जम्मू कश्मीर के बेरोजगार इंजीनियरों का हवाला देते हुए इन इंजीनियरों को मायूस न करने की अपील भी की है। बुखारी ने कहा है चूंकि जम्मू कश्मीर बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या सबसे ज्यादा है, लिहाजा प्रशासन को रिटायर इंजीनियरों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगारों का भविष्य सवारने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आपको मालूम है इस रियासत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स की है, और मैं, चलो आज मेरे एक साथी ने सवाल किया, उसी के हिसाब उसी के लहजे में आज बोलूंगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, जिस तरह कल हमदर्दाना तौर पे आप NHRM की नर्सेस को, जो वैरियर्स हैं कोविड वैरियर्स, उनको 3 महीने दिए, इसी तरह ये रिटायर्ड लोगों को लगाने के बजाय नौजवान जो इंजीनियर घरों में बैठे हैं उनको मौका दिया जाए। इस ऑर्डर पे एक बार फिर नजरसानी की जाए, और अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे लगता है उनको लेना है, रिटायर वालों को लेकिन जूनियर इंजीनियर लेवल, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक हमारे इन नौजवान इंजीनियरों को, जो मुझे लगता है आज आप अगर ढूंढेंगे लेबर, लोकल लेबर 1000 रुपया पर डे और इंजीनियर आपको 2500 रुपये पे महीने के लिए मिलता है, इसका मतलब है वो बेचारे कितने मजबूरी में हैं। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में आप लोग दाखला नहीं लेते हैं, और ये टेक्निकल हैंड्स है, दे आर नॉट नॉन टेक्निकल हैंड्स। मेरी अपील होगी हैंड फोल्डेड बल्कि, क्योंकि ये मेरे बच्चों का मसला है और ये 4 लाख बच्चे हैं ऐसे, मैं हैंड फोल्डेड अपील होगी कि साहब इस पर भी नज़रसानी करिए, रिटायर्ड बंदों की जगह इन इंजीनियरों को। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण का कार्य उधमपुर के समरौली और नरसू के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे के 4 लाइन के इस काम में जुटी निर्माण एजेंसियों की लापरवाही के कारण उनके आशियाने धराशाही हो रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही निर्माण एजेंसियों ने उनके नुकसान का जायजा लिया है। इन लोगों ने सरकार और निर्माण एजेंसियों से सुरक्षित स्थान देने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग भी की है। नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण के शिकार इन लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने और उनके साथ न्याय करने की मांग की है। बहुत जगह उनकी पूरी हो गई है, उन्होंने अपना रोड निकाल लिया और एक्स्ट्रा जगह हमारी कटाई की, छोटे छोटे डंगे चढ़ाए, वो जगह हमारी सेफ नहीं थी। 1 अगस्त को हमारा बड़ा वाला मकान गिरा, उसमें 23 कमरे थे, तो वो गिर गया तो हम शिफ्ट हो गए ऊपर वाले मकान में, तो जो पर्सनल बनाया था एक भाई ने, तो उसमें गए, तो हमने उनको बोला कि भाई कटाई नहीं करना, इधर मकान ये वाला भी स्लाइड हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हम रोड निकालेंगे, आपका मकान गिरे ना गिरे हमें कोई पता नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है रोड निकालो, हमारा काम है रोड निकालना, बाकी आप देख लो। 2 घर थे हमारे, एक बड़ा वाला मकान था नीचे, वो तो गिर गया 2 महीनों के बाद, दूसरा भी गिर गया, तो हमारे 7 फैमिलियां रहती हैं, 40 से 45 50 बंदे हम इधर रहते हैं, छोटे बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे गैमन कंपनी आई है और इसने ऐसी गुंडागर्दी डाली है यहाँ पे,
हमने इनको मना किया था, हमने 19 कनाल एरिया जो है इन्होंने सर्वे करके हमसे लिया हुआ है, जो इनकी लैंड है हमने वो इनको दी पूरा, इन्होंने कटिंग किया जब हमारी घरों के नीचे बारी आई, हमने इनको बोला कि ये यहाँ पे अभी आप कटिंग मत करो क्योंकि हमारी इतनी जमीन है ये पूरी स्लाइड हो जाएगी, पहले से चल रही है। इन्होंने नहीं माना, गुंडागर्दी पे आ गए, पुलिस लाई, इन्होंने गाली गलौज की यहाँ पे आके, उन्होंने बोला कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, हम नहीं रोक सकते, ये आपके घर जाते हैं, आपकी फैमिली जाती है, आप मरते हो, सड़कों पर आते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी एक बार नहीं हजार बार, दो मई पहला 1 अगस्त को हमारा पहला मकान गिरा, हमने तब भी इनको बोला कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करें, इन्होंने कुछ नहीं माना, कोई कंपनी नहीं आई, कोई ऑफिसर नहीं आया यहाँ पे। जब मकान गिरा 4 दिन ये गायब रहे यहाँ से, हमारे दादू हैं बीमार थे, थोड़े से बीमार, ज्यादा बीमार नहीं थे, उनको अटैक सा हुआ है कि उनकी जो उन्होंने बनाया था वो गिर गया, जमीन पूरी तबाह होगी, वो 4 दिन के बाद उनकी डेथ होगी। हम वहां से शिफ्ट हो गए दूसरे वाले मकान में, इस मकान के 10 कमरे थे, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे हम सेफ हैं, मगर 2 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन जब फटने लगी, हमने तब भी इनके पास, हम डेपुटेशन लेके गए इन्हीं के पास कि भाई हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करो, इन्होंने हमारी जमीन प्रोटेक्ट नहीं की, हमारा मकान गया, 23 कनाल एरिया और जो है जो इनका डैमेज कर दिया है इन्होंने। हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे साइड पे आओ, देखो हमारा न्याय करो कुछ, मगर ना प्रशासन सुनता है। डीसी साहब ने हाँ हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं साइड पे आऊंगी देखूंगी, मगर डीसी साहब अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी साहब यही है उनका, ये मतलब गडकरी साहब को कम से कम हमारे इधर का दौरा लगाना चाहिए कि नेशनल में किस किस को प्रॉब्लम हो रही है ये कटिंग करने की वजह से। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का दौरा लगाइए और नेशनल हाईवे जो भी कटिंग हो रही है जहाँ भी हो रही है जरा इन लोगों की भी सुध लीजिए। 2 महीने हो गए हमारा नीचे वाला मकान स्लाइड हो गया, वहाँ पे हम सारी 7 फैमिली रहते थे वहाँ पे, अब फिर हम शिफ्ट हुए चाचू के घर पे, यहाँ पे इन्होंने पर्सनल अपना मकान बनाया था वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो हमने कंपनी वालों को बोला कि हमें प्रोटेक्शन दो कुछ भी दो करके, वो कहते हैं कि हम आपका मकान कुछ नहीं होने देंगे, डैमेज नहीं होएगा ये। हमने बोला ठीक है, इन्होंने क्या किया फिर कटिंग की, बाई फोर्स कटिंग करवाई इन्होंने नीचे, फिर जाकर इन्होंने ये वाला यहाँ पे मकान था ये वाला एरिया भी लिया इन्होंने। अब एक बच्चा नहीं आया वहां से देखने के लिए कि हाँ जी आप कैसे रह रहे हो कैसे नहीं रह रहे हो, खाना कूना कुछ नहीं, एक भी नहीं आया कंपनी वालों से। कंपनी वाले कहते आपने खुद नुकसान किया, हमने कुछ नहीं किया, बाय फोर्स इन्होंने काम लगवाया था, लेडीज पुलिस बुलाई इन्होंने नीचे, कहते कि क्या बोलते ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। इन्होंने हमारा 2 घर हमारे डैमेज किए, इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई खज्जल हो रही है, हम छोटे छोटे भाई हैं हमारे वो सारे यहाँ पे रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, रात को हम सोते नहीं है, रात को बारिश पड़ी हम बाहर थे यहाँ पे। जम्मू कश्मीर का कौशल विकास निदेशालय ITI कॉलेजों में विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा उनके हित के लिए लोगों की लागू की गई योजनाओं की जानकारी देने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज जम्मू में ITI कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यहां ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को इन योजनाओं से रूबरू कराया गया ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके या फिर औद्योगिक इकाइयों में नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बन सके। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए जो बड़ा सुनहरी मौका है, जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट की, इसके बारे में लोगों अवेयर करना एक तो पहले हमारा आज का उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करें, जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें रजिस्टर करें और जो हमारी जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू में सांबा में कठुआ में उनको भी इसके ऊपर रजिस्टर करना है। इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं उनको इसका बेनिफिट है क्योंकि उनको एक तो स्किल्ड मैन पावर मिल रही है और उसके साथ साथ उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ रहा है, और हमारे बच्चों को ये बेनिफिट है कि इनको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करने का एक मौका मिलेगा, उसके लिए उनको नॉलेज स्किल्स जो चाहिए जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएटली उनको मिल जाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे जो इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी क्लस्टर्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट लें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के पहले सेमेस्टर के बच्चों ने ऑनलाइन मोड से में उनकी परीक्षाएं किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में आज जोरदार प्रदर्शन किया है। इन बच्चों का कहना है कि कोरोना के कारण ऑफलाइन परीक्षाएं देने से खतरे से खाली नहीं है और दूसरा उन्हें लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मेरी डिमांड ये है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, क्योंकि जब कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड हम बोल रहे सर, यहाँ पे अभी हम जमा हुए थे सारे, तो वहाँ पे बोल रहे थे गैदरिंग मत करो एग्जाम के, तो यहाँ पे जमा हो रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है सर। हमारी डिमांड ये है, वीसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज 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 एक तो फेक न्यूज मत चढ़ाए। फेक न्यूज ये है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर बैच है ये लोग चढ़ा रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है। हम केयू से सीयू से आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, ना हमें चाहिए 50% रिडक्शन, ना ही हमें कुछ चाहिए। हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। अपने साथियों पर विरोध गुटों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए किन्नरों के एक गुट ने जम्मू में आज फिर से जोरदार हंगामा किया है। किन्नरों ने न्यू जीवल कोट के इलाके में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे वहां घंटों यातायात बाधित रहा। किन्नरों ने आरोप लगाया है कि उनके विरोध अब उन पर जानलेवा हमला करने पर उतर आए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये हमारे चेलों का इनको इन्होंने गुंडे पनवा के उनकी टांगे तड़वा दी, उनके ऊपर कृपान ने चलाई, शहरा हाजी ने और शीतल नायक ने, जो तीन बच्चों का बाप है शीतल, उसके पास इतने गुंडे हैं 2,00,000 रुपए एक दिन का गुंडों को देता है वो कहा गई जरा नकली ही जरा वो कोई पहले भी हुआ हमारे जो चेले थे उनके लिंग परिवर्तन करवाए लड़कों के, कभी भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर हमारे गुरु का सिर पाट दिया शहरा हाजी ने, तभी पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज इसकी टांग तोड़ दिया, एक उधरा उसका गर्दन काट दिया पूरा, ये निकल गया है। हम जम्मू के रहने वाले, हम अपने हक के लिए बोले तो उन्होंने ये कांड करवा दिया। जो गुंडागर्दी यूपी बिहार के आके कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं जहाँ का किन्नर है वही मांगे, जो जम्मू के किन्नर है वो जम्मू मांगे, जो बाहर के किन्नर उनको बाहर भगाया जाए। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई कार्रवाई करनी है, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है, तो वो ऐसे की जाएगी, सिंपल सी बात है। हमने ये कहा है कि हम वेरीफाई करते हैं मैटर को और जो इनको इंजरी आई है उसके मुताबिक जो रेलिवेंट सेक्शन उसमें पर्चा दे देंगे। जिला रामबन के कुछ स्कूली बच्चों ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अपने जौहर दिखाए। इन बच्चों में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन युवा खिलाड़ियों ने उन्हें ये मौका देने के लिए जिला रामबन प्रशासन के साथ साथ उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले अपने कोच व अपने स्टाफ का भी आभार जताया है। हम मार्शल आर्ट गेम में हम दिल्ली गए थे, जहाँ से हमने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता, और हम शुक्रिया करना चाहते हैं डीसी साहब और सीओ साहब रामबन, और जिन्होंने हमें परमिशन दी। और उस सबसे पहले तो हम शुक्रिया करना चाहेंगे रविंदर सर का, जिन्होंने कि हमें ये ट्रेनिंग दी और हमारी मम्मी पापा ने हमें जो परमिशन दी हमें दिल्ली जाने की, और जिनकी वजह से आज हम मेडल हमने लाए, देश का नाम आगे भी रोशन करेंगे जैसे कि आज स्टेट का किया है। वर्ल्ड एनिमल डे पर आज विश्व भर में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज में योगदान देने वालों की पीठ थपथपाई जा रही है। जम्मू में भी आज नगर निगम वेटरनरी विंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशु कल्याण व बेजुबानों के अधिकारों में अहम योगदान दे रही गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ निगम के वेटरनरी स्टाफ के कई अहम जानकारियों देने के लिए के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित पत्र भी यहां पर दिए गए। और इस कार्यक्रम का आयोजन वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा की अगुवाही में किया गया। इस प्रोग्राम में हमारे जम्मू एरिया के अंदर जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट वॉलंटियर्स या संस्थाएं काम करती हैं, उनको यहां इनकर्ज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, उनको एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाएंगे, सो दैट कि वो इस काम में मोटिवेटेड रहें, इसी तरीके से इसी डेडिकेशन के साथ एनिमल वेलफेयर के काम में लगे रहें। और उसके साथ ही हमारा जो म्यूनसिपल एनिमल केयर सेंटर का स्टाफ है, चाहे वो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, पैरावेट स्टाफ है, एनिमल हैंडलर्स हैं, कैचर्स हैं, फीडिंग स्टाफ है, सैनिटेशन का स्टाफ है, वो भी दिन रात एनिमल ट्रीटमेंट के काम में लगा रहता है, और उनको भी आज हम यहाँ एप्रिसिएशन जो है उनकी करेंगे, क्योंकि ये जो एनिमल वेलफेयर का काम है ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हमारा डेली बेसिस पे जिस तरह हमारा ये सेंटर है
24x7 आवर से काम करता है। तो उसी तरीके से हम ये आज एक दिन जो जैसे वर्ल्ड एनिमल डे के तौर पर हम यहाँ मना रहे हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में आज एक बेकाबू ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया। नरवाल चौक पहुंचने पर बेकाबू हुए इस ट्रक ने वहां पर खड़े सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दो ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में ना तो कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। सवेरे सवेरे ही ट्रक वाला पता नहीं कहां से आया तो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, तो नुकसान तो ज़्यादा हुआ है। दोनों गाड़ियों उसका कम है इसका ज़्यादा है, पूरी टोटल लॉस्ट हो गई है बस। तो पहले पुलिस वाले बोलते कि ड्राइवर को अंदर करो, अगर ड्राइवर को अंदर करते हैं ट्रक वाले को तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अभी हमने ड्राइवर को लाया बुला के, वो बोलता जो भी काम होगा मैं करा दूंगा, तो बस नुकसान तो ज़्यादा ही है। अब देखो वो भी ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर हैं, ठीक है ना, दिहाड़ी लगानी है, किसी से ऐसे उलझ के क्या फ़ायदा, पुलिस वालों से नहीं उलझ सकते, किसी और से नहीं, तो बस यही काम कराना है अब गाड़ी का जो भी है। कोरोना महामारी के कारण मेडिकल कॉलेज के आउटडोर स्टेडियम में बंद हुई खेल गतिविधियां दोबारा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा यहां पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जीएमसी जम्मू की कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 19 महीनों के बाद आउटडोर स्टेडियम खेल गतिविधियां शुरू होने से डॉक्टरों में उत्साह है। खेल गतिविधियां शुरू होने से यहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तनाव से मुक्त होंगे, वहीं वो शारीरिक तौर पर भी फिट रहेंगे। एक बहुत एंथुजियाज्म है, जोश है बच्चों में भी और टीचर्स में भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 19 महीने के बाद कोविड में सारे ऑलमोस्ट लॉकडाउन भी था और सेल्फ डिसिप्लिन भी था, रेस्ट्रिक्शंस भी थी, और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल महसूस हो रहा है। बच्चों में काफ़ी जोश है, ये खेलने चलेंगी हफ्ता भर, और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट जैसे किसी भी इंडिविजुअल की होनी चाहिए, वैसे ही ये एक मेडिकल कॉलेज है तो डॉक्टर्स के स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स अलग ही रहते हैं, उसमें उनका शारीरिक मानसिक और मैं तो कहती हूँ कि आत्मिक सब हर प्रकार का विकास की तरफ ये एक और कदम है हमारे जीएमसी ने बढ़ाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारे जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर पी के कलसोत्रा, वो ईएनटी के हेड भी हैं, अपना वो प्रोफेशनल काम तो अच्छे से करते ही हैं लेकिन उन्होंने इस तरफ भी पूरा रुझान दिखाया है। कोरोना महामारी ने जहां आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं पर रही सही कसर बढ़ती महंगाई पूरी कर रही है। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के शिकार अखनूर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अखनूर के गांव पारदा के रहने वाले इन लोगों के मुताबिक आसमान छू रही महंगाई के कारण उनके घरों के चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने उन्हें उज्ज्वल योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर तो दिए हैं, लेकिन रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के कारण वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस बुरे दौर में बिजली विभाग द्वारा भी उन्हें भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। असें गी सिलंडर मिले उस वेले भी असें हजार हजार रुपया दिता, हून अस उन्हें सिलंडर की केह करचै, 800, 900 ते 80 रुपये तक रहो सिलंडर भरोचा, असें कियां भराना उन्हें गरीबें, असें बड़ी मुश्किल है इस चीज़ की। इस सरकार के बारे में असें महंगाई बहुत पवा रही है, 200 रुपया लीटर तेल मिला था, 2 रुपये अस दिहाड़ी से कमाई नहीं सकते जनाब, असें गी बहुत बहुत परेशानी है। सारी समस्या है, गौरमेंट ने सिलंडर दिता फ्री वाला, ते साढ़े कोल पैसे नहीं होंदे, 900 का सिलेंडर होई गेदा ते अस भराई नहीं सकते। आपूं मेरे घर आह्ले लगी, बच्चे ने दिहाड़ी लांदे, जदों करोना होना उन्हें दिहाड़ी कुदै नहीं लगदी, जिते दिहाड़ी लांदी पैसे नहीं मिलते, असें किसे दा भराना, घर गए बैठे दे। आपूं देखो माड़े घर आह्ला कोई काम नहीं करदा, एक बारी भरा लो ते इ'यां फिर इन्नी महंगाई होई दी, असें कुत्थूं भराना, गरीब बंदे हां ते इ'यां फिर चंगा पेदे न। अस ये चाहने भला साढ़े भी कोई सोचना, गरीब बंदे अस
किन्ना किश बंदा करी सकदा असें ते बच्चे रुट्टी नी कपड़ा पूरा ही सका दे कुछ नी मिलिया है जदूं में सिलेंडर असें थ्होए दे ना ते असें इक बारी भराया दुई बारी असें लोक इन्नी महंगाई होई गई आ अस नहीं भराई सके अस अपने परिवार दे खर्चे पूरे करचै ना कम्म रेहा ना कोई काज रेहा ते असें कुत्थों दा खलानी ऐ कुत्थों असें अपने खर्चे पूरे करने इन्नी महंगाई जेह्ड़ी होई गई असें कुत्थों भरना गरीब बंदे अस ध्याड़ीदार ओह् बी बमारी ऐ ना इन्ने ओह् होई गेदे ना असें ध्याड़ी बी लाई सकदे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।